नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निशियम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि खासकर लाइव स्ट्रीमिंग, मल्टी कैमरा प्रोडक्शन और वीडियो मिक्सिंग के लिए बहुत ही दमदार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RGB लिंक वीडियो स्विचर के बारे में। RGB लिंक का ये वीडियो स्विचर इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है, काफी रंग बिरंगी पैकिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। RGB लिंक स्ट्रीमिंग फ्रॉम एनीवेयर टू एवरीवेयर। इसका मॉडल नंबर है मिनी प्रो V3 वीडियो स्विचर। इस समय आपको ये केवल 38,999 मिल जाएगा। कहां से आप इसे परचेज कर सकते हो वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। RGB लिंक मिनी प्रो यूजर मैनुअल यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। पावर एडाप्टर दिया गया है जिसमें यहाँ पर आपको सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है। सी टाइप केबल दी गई है जो आपकी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। एक USB केबल दी गई है जिसके दोनों एंड पर USB A टाइप कनेक्टर दिए गए हैं। एक ऑडियो एडाप्टर दिया गया है जिसके एक एंड पर 3.5 mm का कनेक्टर है और दूसरे एंड पर दो फीमेल कनेक्टर है। हेडफोन लगा सकते हो, माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हो। और ये है RGB लिंक मिनी प्रो V3 वीडियो स्विचर। RGB लिंक की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है, काफी कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है, फिनिशिंग काफी बढ़िया है। यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं, एक जॉयस्टिक कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, मेनू का बटन दिया गया है, शॉर्टकट का एक बटन दिया गया है। 2.1 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले इसमें मिल जाता है। चार कैमरा कंट्रोल करने के लिए चार बड़े बड़े बटन यहाँ पर दिए गए हैं। नेविगेशन के लिए वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। एक T-बार यहाँ पर दिया गया है। डिवाइस के इस साइड ट्राइपॉड पर माउंट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इस साइड कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। ऑडियो इन का पोर्ट दिया गया है, ऑडियो आउट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, एक लेन पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा एक USB 2.0 का पोर्ट दिया गया है जिसमें पेन ड्राइव लगाकर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एक प्रोग्राम आउट का HDMI पोर्ट यहाँ पर दिया गया है और USB 3.0 का पोर्ट दिया गया है जिस पर आप अपना बैक कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस के बैक साइड यहाँ पर भी कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, एक सी टाइप पावर पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इस डिवाइस को आप पावर बैंक से भी पावर दे सकते हो और जो एडाप्टर इसके साथ आया उससे भी आप इसे यहाँ से कनेक्ट करके पावर दे सकते हो। चार HDMI इनपुट पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं, एक HDMI आउट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है जो कि एक मल्टी व्यू आउटपुट का पोर्ट है। काफी कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है, तो सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स को चेक करेंगे। इसके कनेक्शन मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने अपने दो कैमरे कनेक्ट कर रखे हैं और अपने लैपटॉप के ऊपर इसका मल्टी व्यू कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल कैमरा मॉनिटर कनेक्ट कर रखा है। इस पर हमारा प्रोग्राम आउट आ रहा है। यहाँ पर चार HDMI पोर्ट दिए गए हैं, दो HDMI पोर्ट पर मैंने अपने दो कैमरे कनेक्ट कर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक HDMI आउट का मल्टी व्यू आउट का पोर्ट दिया गया है, इसे मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट कर रखा है। पर मैंने अपनी लेन केबल कनेक्ट कर दी है, एक पेन ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट कर दी है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर प्रोग्राम आउट का एक पोर्ट दिया गया है, इस पर मैंने अपना एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको USB 3.0 का पोर्ट भी मिल जाता है, इस पर आप अपना वेब कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक जॉयस्टिक कंट्रोल दिया गया है जिससे आप PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। एक मेनू का बटन दिया गया है, शॉर्टकट का बटन दिया गया है, यहाँ पर नेविगेशन के बटन दिए गए हैं जिससे आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर एक T-बार दिया गया है जिससे हम इस तरह से अपने कैमरे को स्विच कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। मेनू के बटन पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप पिक्चर इन पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लेआउट, आप जो भी लेआउट रखना चाहो वो लेआउट आप यहाँ सेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये वाला लेआउट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो ये लेआउट हमारा यहाँ पर लग गया। उसके बाद हम यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे, पिक्चर इन पिक्चर को मैं यहाँ से इनेबल कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारे प्रोग्राम आउट में इस तरह से दोनों सीन यहाँ पर हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। पिक्चर इन पिक्चर के बाद PTZ कैमरा कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से PTZ कैमरा की सेटिंग आप कर सकते हो। PTZ कैमरा के बाद व्यूज का ऑप्शन दिया गया है, इस व्यूज पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर व्यूज को सेट कर सकते हो, अलग अलग अपने सीन क्रिएट कर सकते हो। व्यूज के बाद यहाँ पर की का ऑप्शन आता है, इसमें आपको क्रोमा की, लूमा की का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप की सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी ट्रांजिशन
इफेक्ट अगर आपको चेंज करना हो, मान लो ये हम सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, मान लो ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट आने लगेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, फिर ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर बिल्ट इन ऑडियो मिक्सर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो, अलग अलग सोर्स की ऑडियो को अलग अलग आप सेट कर सकते हो, उनके वॉल्यूम वगैरह सब सेट कर सकते हो। ऑडियो के बाद यहाँ पर आपको वीडियो आउट का ऑप्शन मिल रहा है। वीडियो आउट में आप यहाँ से वीडियो आउट पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप इसकी क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हो। वीडियो आउट के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो, इसे यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे यहाँ से रिकॉर्डिंग हमारी पेन ड्राइव के अंदर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क इन्फो वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क को फॉर्मेट करना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना हो तो इसे एक बार प्रेस कर दोगे, आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। रिकॉर्ड के बाद यहाँ पर आपको मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो। मोड के बाद सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करो, यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग, लैंग्वेज सेट कर सकते हो, यहाँ से डिवाइस वर्जन देख सकते हो। इसके अलावा इनपुट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, इस पर क्लिक करो, यहाँ से आप सारे इनपुट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। HDMI 1 पर हमारा 4K कैमरा कनेक्ट है, HDMI 2 पर हमारा 1080p रेजोल्यूशन का कैमरा कनेक्ट हो रखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। इसके बाद IP सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो। IP सेटिंग में जो ऊपर DHCP वाला ऑप्शन आ रहा है, DHCP वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है, तो ये IP एड्रेस अपने आप ही ले लेगा। इस डिवाइस को आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के ब्राउजर से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसमें जो IP एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, ये IP एड्रेस आपको नोट कर लेना है। इस IP एड्रेस को सीधा अपने वेब ब्राउजर में टाइप कर देना है और एंटर कर देना है, तो इस डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन पूरा कंट्रोल आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पर एक लोगो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपना लोगो इनेबल कर सकते हो। जो भी लोगो की सेटिंग है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ इनेबल करोगे तो आप अपना लोगो भी इसके अंदर लगा सकते हो, और लोगो को इम्पोर्ट करना हो तो आप पेन ड्राइव के थ्रू अपने लोगो को यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन से भी कोई भी इमेज लोगो वगैरह इम्पोर्ट कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, इस डिवाइस से आप डायरेक्ट 4 प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप इस साइड से करोगे, इनेबल करोगे, आपकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से बिटरेट सेट कर सकते हो, मोड सेट कर सकते हो, आपको हॉरिजॉन्टल लाइव करनी है, वर्टिकल लाइव करनी है, वो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे ही हम अपना RTMP URL और स्ट्रीम की देंगे तो वो यहाँ पर हमारा दिखाई देने लगेगा, यहाँ से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक साथ आप 4 प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो RGB लिंक का ये वीडियो स्विचर काफी कॉम्पैक्ट साइज है, आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ लगभग सभी फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, कहीं पर भी ये एडजस्ट हो जाएगा, काफी कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है। दोस्तों अगर आप भी एक मल्टी कैमरा प्रोडक्शन सेटअप बनाना चाहते हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप बनाना चाहते हो तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, साथ ही साथ इसकी कीमत भी काफी कम है। कहां से आप परचेज कर सकते हो वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।